व्हाइट कलर का पर्स था, मैंने सोचा बाहर तो बैठे ही है वो चेयर लगा के। कोई कह रहा ना हाथ में से छीन के ले जाते मेरे भाई, आपको तो रखा हुआ था। होना है तो बता देना प्लीज, सब कुछ उसी में है, मेरा आईडी प्रूफ प्लीज। मैं तुम्हें चोर लगाऊंगा, शक्ल चेक लेके जाऊंगा। चोर थोड़ी करूंगा, नहीं अगर नहीं अगर मैं लेके जाता तो मैं फोन उठाता तुम्हारा। कॉल ही नहीं उठा रहे बंदा। नहीं वॉशरूम में लड़कियां गई थी। मोबाइल और पर्स मिला आपको? मेरे को नीचे पड़ा हुआ मिला यही 15 मिनट पहले। तो यार प्लीज, मेरा और रिश्तेदार में कोई नहीं लगता यार। उसमें देख लो सारा सामान है ना? नहीं बस होगा, आपने लाके दे दिया भाई। देख लो चेक कर लो भाई। अरे भाई साहब मैं तो चला, ये सामने वाली बंदी जो दिख रही है ना भाई, तो बहुत टाइम से यहीं पे है, और जब मैं आया था तब भी यहीं पे थी और अभी भी यहीं पे है, और मैं जा भी रहा हूँ पता नहीं। रोने लगी है यार, कब से रो रही है। बोलो बोलो। मेरा ना पर्स और मोबाइल चोरी हो गया, मैं यहाँ गई थी वॉशरूम में, बाहर आई तो पर्स और मोबाइल नहीं मिल रहा मेरा। तो कितने टाइम पहले? आधा घंटा से मैं देख रहा हूँ यहीं पे बैठी हो आप। मैं जब आया था तो भी आप बैठी थी, अब जा रहा हूँ तो भी आप बैठी हो। मैं एक घंटे के करीब हो गया मेरे को, मैं बहुत देर से परेशान हूँ। सारे पैसे और फ़ोन वगैरह सब उसी में था। पैसे और फ़ोन उसमें था? आप प्लीज़ अपने फ़ोन से मेरे फ़ोन पे फ़ोन कर दो, मैं बहुत देर से यहाँ बैठी हूँ, मेरा पर्स नहीं मिल रहा मुझे। एक बार प्लीज़ मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो, फ़ोन करना है मुझे। तो ये पहले बोलना चाहिए था ना, जब आया था उस टाइम बोल देते। अब मैं जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैंने सोचा क्या हो गया भाई, बताना चाहिए ना आपको। जब पर्स था वो पर्स में क्या था? मेरा मोबाइल, पैसे सब कुछ उसी में थे, आईडी वाईडी सब कुछ उसी में था, मतलब टोटल चीज था। तो किसी से करवाई नहीं कॉल? नहीं करवाई? तो यार बैठी हो तो बैठने से थोड़ी नहीं चलता, किसी से तुरंत बोलती तब ना करता कोई। ये लो कॉल करो, ये नंबर डालो। मैं देख रहा था आपको, काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, मैं आधे घंटे से पहले आया था तो भी देखा बैठी है बंदी भाई, मुझे लगा कोई प्रॉब्लम है। लगा दिखाना, क्या बोल रही है? रो की रही है, रो मत, कॉल लगेगा तो ज़रूर बता दूंगा भाई। कॉल नहीं लग रहा है लेकिन। पता नहीं भैया, पर्स के अंदर मोबाइल रख के सिर्फ वॉशरूम में गई थी 2 मिनट के लिए। अच्छा ये वाला वॉशरूम है। कॉल तो लग गया, अभी स्विच ऑफ जा रहा था, 2-3 बार कर लिया मैंने। कॉल तो लग गया भैया, उठा नहीं रहा कॉल। भैया हेल्प कर दो प्लीज, यहीं कहीं होगा कोई, किसी ने तो देखा होगा, प्लीज पता कर लो। मैं घर भी नहीं जा पाऊंगी उसके बिना। यहाँ पे रखी थी, यहाँ से पूछी थी, यहाँ पे पूछी थी कि नहीं थे? यहाँ पे मैंने पूछा था, वो अंकल जो बैठे हो ना उन्होंने बोला कि कोई लड़का लेके गया है यहाँ की तरफ। लड़का लेके गया इधर, मतलब वो फ्लाई ओवर से ऊपर वाले से? हाँ। अंकल बोले हैं? अंकल ने बोला है कि लेके तो गया बेटा, पर मुझे ये नहीं मालूम था कि तुम्हारा पर्स है वो, मुझे लगा उसके किसी का होगा। कॉल तो लग नहीं रहा यार, एक बार और ट्राई करता हूँ फिर चलता हूँ। उस साइड में, उस साइड गया ना, कंफर्म है ना? हाँ वो कह रहे 2-3 लेडीज आई थी ना उन्हीं के साथ, वो लेके मुझे लगा कि उसका ही, उन्हीं के किसी का होगा, वो लेके निकल गया वहाँ पे, मुझे ये नहीं मालूम था कि आप था। लेडीज भी नहीं थी? नहीं वो लेडीज वॉशरूम में गई होंगी ना कोई लेडीज, तो वो लड़का पर्स उठा के निकला, अंकल को ये लगा कि उनके साथ की लेडीज का है कोई। अच्छा अच्छा नहीं उठा रहा यार। मैं हेल्प ही तो कर रहा हूँ, मैं तो कॉल ही कर रहा हूँ ना, आपका ही तो कॉल कर रहा हूँ यार। मेरे को रॉन्ग साइड से जाना पड़ेगा फिर उठा। भैया प्लीज चल लो, आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ फिर, जल्दी बैठो, आराम से बैठना। बैठ गए? हाँ।
बताना चाहिए यहाँ पे जितने लोग थे उनसे बोलते ना जी, बोलते तब तो वो देता। ओ भाई रॉन्ग साइड मेरे को जाना पड़ता। एक कम करो यहाँ पे मिलाते हैं कॉल, ठीक है? उतरो आप, रोना नहीं है, कॉल लगाता हूँ। आप आओ नारियल पानी पी लो पहले। भैया एक नारियल पानी देना, एक एक कॉल कर रहा हूँ मैं, ठीक है? नारियल पानी एक हाँ पीने। कॉल तो लग रहा है, कॉल लग रहा है लेकिन उठा नहीं रहा। नहीं उठा रहा यार। अब पियो पियो, कॉल उठाएगा तो देखता हूँ। पर्स गायब हो गया इनका, पर्स गायब हो गया। पर्स में मोबाइल था, वाइट कलर का पर्स था। कोई बंदा उधर से उठाया, इधर चला गया। वाशरूम गए वहाँ पे रखा, किसी ने उठाया लेके चला गया। और अंकल ने बताया इधर गया कोई। मैं तो अभी अंदाजा लगाया जो पास ले जा सकता है तो फोन की छोटी सी बात, अगर फोन आएगा तो पकड़ा नहीं जाएगा। आप ये बताएं, अगर ईमानदार होता तो वो चोरी नहीं करता। ये है मेरे भाई, यहाँ तो अक्सर वहाँ पे मैं भी हूँ, बैठा हूँ लेकिन पता ही नहीं चला। कोई कह रहे हो हाथ में से छीन के ले जाते हैं मेरे भाई, आपको तो रखा हुआ था। मैंने खुद अपनी आंखों सामने कुछ तेज से देखे कि हाथ में छीन के ले जाते हैं। क्या नहीं, ये क्या करिए, वाशरूम यहाँ पे है ना, वहाँ पे वो बैठने वाला वहाँ पे रख दिया, वाशरूम चली गई, बाथरूम गई या पर्स गए, नहीं मिलेगा। ट्राई कर लेता हूँ, अगर मिल गया तो ठीक है। भाई भैया भी बोल रहे हैं नहीं मिलेगा, तो ट्राई करने में क्या जाता। आ जाओ वहाँ तक देख लेता हूँ। अब यहाँ किससे पूछें यार, देखो यहाँ पे एक बार उतर जाओ, देखता हूँ कॉल लगा के देखता हूँ, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो मैं आपको पैसे दे दूँगा, मेट्रो से आप चले जाना। अब नहीं उठा रहे तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अब जो ले गया वो देगा थोड़ी ना, रोने वाली बात नहीं है ना, आपको ध्यान रखना चाहिए था, गलती आपने किया। मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए वॉशरूम में गई थी, प्लीज मेरी हेल्प कर दो, उसमें मेरी मम्मी के भी पैसे थे सारे। यार देखो मैं हेल्प नहीं किया आपको, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। आप कॉल कितनी बार लगा लिया, मैं कम से कम 12-13 बार कॉल लगा चुका हूँ। जब बंदा नहीं देने वाला तो नहीं, वो जब उठा के ले गया भाई तो नहीं देगा, वो नहीं देगा। घर जाना है, मैं कैसे जाऊंगी घर, में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सारे पैसे फोन सब कुछ उसी में था। यार तो मैं क्या करूं अभी, इतना बता दो मेरे को, मैं आपको पैसे देता हूं आप घर चले जाओ, बात मानो। मैं कैसे घर जाऊं, मम्मी के पैसे भी उसी में थे सारे के सारे। तो बताओ ऑप्शन क्या है। वो बंदे ने भी बोला नहीं, आपको अंकल ने क्या बोला, इस साइड, अभी साइड में मैं कहाँ ढूंढूँ, ऑप्शन क्या है मेरे पास, मैं तो कॉल करूँ, उस बंदे ने तो कॉल भी नहीं कर रहा। यार देखो मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ, रो रही हो तो क्या बोलूँ यार आपको, रोने से कोई फ़ायदा है बताओ। यार आपको ध्यान देना चाहिए, जब वॉशरूम जा रहे हो तो बाहर क्यों रखी पर्स, लेके जाना चाहिए ना यार, छोटा पर्स था ना, बैठे हुए थे बाहर, मुझे नहीं पता था इतनी हाथ वाला पर्स था। हाँ, वाइट कलर का पर्स था, मैंने सोचा बाहर तो बैठे ही है, वो चेयर लगा के कहाँ चला जाएगा इतनी देर में वो। कॉल ही नहीं उठा रहे बंदा, फुल रिंग वाला भाई, फुल रिंग पर कॉल नहीं उठा रहा है। नहीं आंसर,
कोई अनसन नहीं है भाई, मैं क्या करूँ आप बताओ। आपको मैं पैसे दे रहा हूँ, आप प्लीज़ बात समझो। पर्स गुम हो जाने से क्या कर सकती हो, क्या आप करोगी? अब ऐसा करो कि अगर वो कॉल वॉल आता है आप घर का नंबर दे दो, मैं आपको घर में इन्फॉर्म कर दूँगा। घर का नंबर है ना, तो आप घर का नंबर इसमें डायल करो। अगर वो बंदे का कॉल आता है ना, तो मैं आपको घर वाले नंबर पर कॉल कर दूँगा। ये लो, कर दी। ठीक है, मैं इस नंबर पे कॉल कर दूंगा, ठीक है? टेंशन ना लो आप। आप आराम से रहो, मैं जाने के लिए दे रहा हूँ किराया, टेंशन क्यों ले रही हो? अरे यार, आप ऐसा करो, ये ले लो पैसे, आराम से चले जाओ। 400 रुपये हैं, ये लो। थैंक यू भैया, आराम से चले जाना। फ़ोन आएगा तो मैं बता दूंगा, टेंशन ना लो। उस बंदे का कॉल वॉल आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, समझ रही हो? रिलैक्स होके चले जाओ, बाकी मैं आपको कॉल कर दूंगा, ठीक है ना? बता देना भैया। हाँ हाँ, मैं बता दूंगा। आप आराम से, मेट्रो वही है जहाँ से आप आए थे ना, वहीं से आप मेट्रो ले लेना, ठीक है? आराम से रो मत यार, रोने से क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। आराम से चले जाओ, रिलैक्स होके। क्यों रो रही हो? मैं आपको छोड़ दूँ? अब क्या कर सकता हूँ मैं, यही तो कर सकता हूँ। आपका घर का नंबर ले लिया, कॉल कर दूंगा उस पर। सारा चीज़ उसी में है। गलती तो आपने की ना मैम, आपको नहीं गलती करना चाहिए। दिल्ली है ये, उठा के एक सेकंड में गायब कर देता है, हाथ से छीन लेता है मोबाइल पर्स। तो आपका तो आपने रख करके गया यार, वास्तव में अंकल ने, अंकल ने नहीं रोका था, अंकल ने नहीं रोका। अंकल कह रहे मुझे लगा कि वॉशरूम में लड़कियां गई थी, उनमें से किसी का होगा, वो लड़का साथ में होगा तो उठा के लेके जा रहा होगा। अच्छा, मतलब आप गई तो उसको, उनको लगा कि साथ में वाले बन जा। अच्छा, वो अंकल नहीं बताया कैसा पहन रखा था? वो पूछने की कैसा कपड़ा था, किस ड्रेस में था यार, हमें पूछना चाहिए था। चलो कोई नहीं, आप चले जाओ, वो आएगा कॉल तो मैं बता दूंगा कि मैं छोड़ दूँ, क्योंकि छोड़ूंगा तो मेरे को वापस आना पड़ेगा। आप आराम से चले जाओ, ठीक है? यहाँ से आराम से ऊपर से चले जाना, ठीक है? आराम से जाना, टेंशन ना लो। आएगा कॉल तो मैं बता दूँगा। चलो आप बैठ जाओ भाई, अब कुछ नहीं कर सकता मैं। बंदी को तो मैंने छोड़ दिया यार, वो चली गई जाएगी अपना मेट्रो से। जब भी आएगा मेरे पास कॉल बॉल तो मैं बता दूंगा उसको। अभी कॉल उठाया था बंदे ने तो मैंने कट कर दिया, दोबारा कॉल कर। हेलो हेलो, हाँ भैया, हेलो। हाँ भैया, हाँ भैया, आपने ये मोबाइल कहाँ मिला है, मोबाइल और पर्स मिला है आपको? ये मोबाइल यहाँ मेट्रो स्टेशन के पास पड़ा हुआ मिला था। मेट्रो स्टेशन, कौन सा मेट्रो स्टेशन? मेट्रो स्टेशन के पास ही, हल्का सा आगे आया हूँ पार्क के पास, मेट्रो स्टेशन के पास जो पार्क है अभी, यहाँ से आके ले लो फोन मुझसे। अच्छा, पर्स वर्स सब मिला है। तो आप किधर से आए थे पर्स से लेकर के, मतलब किधर गए हो? यही है मेट्रो स्टेशन के साथ में जो पार्क है। अच्छा, ऊपर से ब्रिज वाला पार करके या फिर किधर बताओगे तब? तो कुछ तो बताओ। नहीं, ब्रिज पार नहीं करना, स्टेशन के साथ वाला जो रोड है वहीं है पार्क। ऊपर में जो ब्रिज गया उससे नहीं गए? अंकल तो बता रहे थे ऊपर से गया बंदा। अरे भाई साहब, ऊपर से क्यों ले, मेरे को नीचे मिला तो मैं नीचे से नीचे आ गया ना। अच्छा, नीचे से आया? वहाँ मिला होता तो वहाँ मैं ऊपर मेट्रो स्टेशन में दे देता किसी को। अच्छा, आप बताओ लोकेशन दे सकते हो आप? हाँ, मैं लोकेशन सेंड कर रहा हूँ आपको, आओ यहाँ पे लो अपना सामान वान लो। ठीक है, आप लोकेशन दे दो, मैं आ रहा हूँ, दे रहा हूँ, आओ। लोकेशन तो यहीं पे शो कर रहा है आसपास में, ये देखो यहाँ पे तो लोकेशन यहाँ पे शो कर रहा, बंदा है किधर, किधर है यार, अंदर तो जाना भी नहीं है, इधर तो है भी नहीं कोई यार, मैं गलत तो नहीं आ गया?
भैया आप हो? फोन 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 किया था मैं। हाँ ये फोन है पर्स है आपका, चप्पल सामान वन यही था। यही था आपका है आपका, आपको पता नहीं आप क्या था? मेरा नहीं है यार, उस बंदी का है। किसके बंदी? उसने तो मेरे से हेल्प मांगी थी, वो तो चली भी गई। वो कहाँ है? वो तो चली गई भाई। तुम रखना है तुम रख लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं नंबर देता हूँ, उसके घर वालों को कॉल करके दे देना। पक्का तुम्हारे साथ है ना लड़की? अरे यार मैं, मेरे साथ नहीं है भाई, मैं क्यों झूठ बोलूँ, मेरे साथ नहीं है भाई, मेरे को रास्ते में रुकवाई थी मैंने। तो तुम दे दोगे उसको? मैं नहीं दूंगा भाई, आपको नंबर दे रहा हूँ, आप दे देना उसको, आप दे देना भाई। आपने उठा करके लेके गए हो यार, ये गलत बात है ना। अरे भाई एक तो मैं दे रहा हूँ तुम्हें पर्स, अगर कोई और होता तो लेके चला जाता, उठा करके लेके क्या गया हूँ, वो रहा मेट्रो स्टेशन में यहाँ तक आया हूँ। अरे भैया वहाँ पे अंकल थे, उन्होंने तो बोले कि आप लेके गए हो, तो अंकल से ले लेते ना फिर जाके। अंकल ने बोले वो बंदा लेके गया पर्स। मैं क्यों ले यार, मैं तुम्हें चोर लगा रहा शक्ल से लेके जाऊंगा? चोर थोड़ी करूंगा, अगर मैं लेके जाता तो मैं फोन उठाता तुम्हारा। बहस क्यों कर रहे हो, एक तो आप दे रहे हो बहुत बड़ी बात, तो फिर आप ये क्या कह रहे हो भाई? मेट्रो स्टेशन मैं यहाँ तक आया हूँ बस, मेरे किसी को कुछ सामान पकड़ाना था अपना अर्जेंट, जैसे मैंने फोन खोला तुम्हारे फोन आ रहे थे, मैंने फोन उठाया भाई यहाँ पे आ जाओ, क्या गलती कर दी मैंने? दो घंटे मैंने लगातार कॉल किया है, उस बंदी फिर गई है घर रोते हुए। दो घंटे नहीं हुए भाई, देख लो यार, दो घंटे हो गए यार। फोन खोला वैसे तुम्हारा, वो ऐसी बात नहीं है, आप दो घंटे से पड़ा होगा भाई, मुझे अभी मिला 15 मिनट पहले, मुझे अभी 15 मिनट पहले ही मिला ये तुम्हारा सामान। अरे यार क्या बात कर रहे हो यार, फिर वही बात है आप, फिर तो मैं झूठ बोल रहा हूँ फिर? तो एक काम कर भाई, फिर रह नहीं देना, मैं फिर अब लेके जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। देखो मेरे को तो पता चल गया भाई, मैं क्या, मैं गलत थोड़ी नहीं, बनना यार, मैं तुम्हारी अच्छाई कर रहा हूँ, अच्छाई करने अच्छाई का तुम कर ये मेरे को, मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, आपने अंकल ने बोले कि भाई लेके गया, बंदी ने कहा था बाथरूम, यार वहाँ पे बाथरूम है आपको दिखा है क्या? वहाँ पे बोर्ड नहीं है बाथरूम वाला, वहाँ पे है ना? हाँ। तो उसमें बाथरूम गई थी बंदी। यार मेरे को क्या सपना आ रहा है, तुम अंकल के पीछे पड़ गए, अंकल ने बोल दिया भाई मेरे को नीचे पड़ा हुआ मिला यही 15 मिनट पहले, दो घंटे से गिरा होगा, हो सकता है कि दो घंटे से गिरा हो, मुझे 15 मिनट पहले मिला है, बात ही 15 मिनट नहीं यार, दो मतलब मैंने तो एक घंटे से कॉल नहीं लगा रहा हूँ, डेढ़ घंटे से। अरे तो मुझे अब 15 मिनट पहले मिला है तो मैंने ऑन करा है, आधे घंटे पहले तो बंदी गई है भाई, मुझे 15 मिनट पहले मिला है ना, 2 घंटे से, आधे घंटे पहले बंदी गई है, तो 2 घंटे से कैसे गिरा हुआ है पर्स फिर? अरे ये बताओ पर्स गिरा रहता पता नहीं चलता, वो बंदी उसे वो लोकेशन में देख ली, हांड लिया, मिला भाई। यार एक तो यार तुम्हारी, बल्कि मैं तुम्हारा फोन उठा लिया, तुम्हें सामान दे दिया भाई, देखो मैं तो यहाँ पे ले लो सामान, दे देना, मैं नहीं लूंगा, आप ऐसा करो कि आप ही रखो, आप दे देना। मैं कैसे दूंगा भाई, मैं आप नंबर ले लो ना उसके घर वाले, कोई दिक्कत नहीं, तुम दे दो, तुम आयो तुम दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दे दो भैया। यह गलत बात है लेकिन आपको नहीं उठाना चाहिए, आपको देखना चाहिए। अरे भाई एक तो यार मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, तुम्हारा सामान दे रहा हूँ यार, अंकल अगर आज यार बंदे देखो, ऐसे होते हैं लेके चले जाते हैं, सामान नहीं देते। देखो मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है भाई, किसी का पर्सनल चीज है, मैं अंकल के, तुम अंकल के, फिर अंकल ने बोला यार तुम मेरे पे, तो अंकल क्या, अंकल की सारी बात मेरे को पता भी नहीं, कौन से अंकल की क्या बात कर रहे हो, बाथरूम के पास से उठाए हो कि कहाँ से उठाए? अरे भाई मेरे को नीचे मिला है, नीचे मेट्रो स्टेशन के, और मेरे को वहीं की बात करो, वहाँ पे बाथरूम नहीं है, है? तो फिर वही उसी की बात करो तो भाई, मैं तो मेट्रो के, मेट्रो स्टेशन के नीचे आपको मिला, तो मैं यहाँ से आ गया, बंदे बोली के ऊपर में मैंने रखा था, मेरे को नीचे ही मिला है। अब क्या, मैंने ऊपर से नहीं उठाया भाई, मेरे को 15 मिनट पहले मिला है। जैसा भी है यार, जो भी है, मैं क्या बोल, दे देना भाई उसको, और वैसे ले जाओगे तो ले जाओ, नंबर दे देता हूँ, आप कॉल करके बात करके दे देना, कोई नहीं आप दे देना, और भाई कोई ऐसे करे तो उसको थैंक यू बोलते हैं। और ये भाई मैं देखो, मैं तेरे को गंदा नहीं बोल रहा हूँ, आपको आपको गलत थोड़ी बोल रहा हूँ यार, आप ऐसे भड़क रहे हो, दे देना भाई उसको। चलो थैंक यू यार, थैंक यू, लेकिन मैं गलत नहीं बोला उसके लिए सॉरी, लेकिन वो अंकल ने बोले इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा वो रिश्तेदार में कोई नहीं लगता यार, ठीक है मेरे को पता था किसी का जरूरत का सामान है, इसलिए मैंने कॉल उठा लिया और दे दिया ना भाई। मैं देखो भाई मैं मेरे बंदी से कोई रिश्ता नहीं है, वो तो हेल्प मांगी तो मैं दे भी रहा हूँ, उसका नंबर ले लिया हूँ, घर का नंबर है, अगर आपको हल देना तो आप भी दे सकते हो, दे दो भाई दे दो, आप मैंने आपको दे दिया, चलो थैंक यू यार, हाँ हाँ दे दूंगा, अपना नंबर दे दोगे? है? अपना नंबर दे दोगे? ले लो नंबर, लाओ मैं, आप लिख लो, लाओ डायल कर देता हूँ, ये लो मेरा नंबर है, आप इस पे कॉल कर लेना। तो लड़की का इसका दे दो, मैं पूछ लूंगा उससे क्या है, क्या लड़की का लेना, लड़की का तो नंबर इसी यही मोबाइल था, उसके फैमिली का दे देता हूँ। अच्छा यही, हाँ उसको दे दो, फैमिली का दे देता हूँ, पूछ लूंगा एक बार, अपडेट यही नंबर डायल कर लो मोबाइल में अपना, ऊपर वाला फोटो क्लिक करना, ठीक है भाई, ओके बॉस।
सर दर्द भी मैं पाल लिया यार, जिस बंदी को देना पड़ेगा अब कब मिलेगी वो बंदी। तो गाइस अभी मैं इसको कॉल किया था और ये बंदी अभी, लोकेशन तो मैंने इसको दे दिया हूँ, बाकी इसका पर्स तो मेरे पास ही है, बाकी एक बार कॉल करता हूँ देखता हूँ कहाँ पे है वो। बात करियो अरे पहुंची लोकेशन मैंने दिया था, उस लोकेशन पे आओ ना जल्दी यार, मैं खड़ा हूँ आ जाओ। तो भाई ये लो अपना पर्स। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू मत करो, वो ऐसे मत छोड़ कर जाया करो, उस बंदे से लड़ाई हो गई थी मेरे, ठीक है उसमें देख लो सारा सामान है ना। दे देख लो चेक कर लो भाई, फिर ऐसा मत करना। घर वाले पता कितना गुस्सा कर रहे थे मेरे ऊपर। सही से चेक कर लो यार, ऐसे छोड़ कर के मत जाया करो, क्योंकि पता मैं थैंक यू की बात ही नहीं है भाई, मैं वो समझो कि मैं कर दिया हेल्प वो बड़ी बात है, कोई नहीं करता, वैसे छोड़ के मत जाया करो, उस बंदे से लड़ाई हो गई है मेरी। सॉरी उसके लिए, पर थैंक यू। चलो ठीक है, आराम से जाओ फिर, ठीक है।